अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। सो मैंने वीडियो का इंट्रो नहीं शूट करा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से इंट्रो शूट कर लेती हूँ। फिर मैं बाकी का मैंने बहुत सारा शूट कर लिया। आपने येलो ड्रेस देखा होगा कि मैंने मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने पता है येलो ड्रेस को ना रिटर्न करवा दिया। उसके बदले सेम ही डिज़ाइन में दूसरा कलर मैंने उसको बाय किया है, वो पर्पल कलर का होता है, जो जामुनी कलर होता है ना, वैसा पर्पल में है। बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइज, वो मुझे येलो से भी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। सॉरी, आपको थोड़ी सी नुआइज आ रही होगी, बगल में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ वो कलर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी स्टिच होने के लिए गया है, और मांझा के लिए मैंने दूसरा ऑर्डर कर लिया है तो येलो में, तो वो भी स्टिच करने के लिए गया है, तो वो आएगा तो दोनों मैं आपको एक साथ दिखा दूंगी। एंड टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो मैं ये इंट्रो वीडियो बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ, ताकि वो मैं सब साथ में मर्ज करके आप लोगों को शेयर करूँ। तो चलिए आप लोग वो वीडियो एंजॉय कीजिए, हल्दी वाला जो ड्रेस आया है जो मैंने रिटर्न करवाया है, तो आप लोग वो कीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आपको लास्ट में। गाइज, मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा पार्सल रिसीव हुआ है, ब्यूटीफुल सा पार्सल नहीं, मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। सो मैं दिखाने वाली हूँ उसमें क्या है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने सूट्स ऑर्डर करा था, तो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसका। गाइज, मुझे ये हल्दी के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था, और बहुत ही अच्छा ये रिसीव हुआ है सूट्स। मैं इसको पूरा ओपन करती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे मैं फुल अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, ये दुपट्टा हो गया जो फुल बॉर्डर के साथ था, बहुत प्यारा था। और ये सलवार हो गया, सॉरी सूट्स हो गया, ये सूट है, तो इसका वर्क इतना प्यारा है गाइस, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे से काम बना हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा एकदम मिरर वर्क है इसमें, बहुत प्यारा है। और ये बॉटम का हो गया नीचे का, और वो साथ में अस्तर आपको दिया गया है, बॉटम में भी अस्तर लगेगा एंड सूट में भी अस्तर लगेगा, तो दोनों का अस्तर साथ में दिया गया है। एंड इसमें पता है इसमें जो वर्क किया गया है, बहुत गलती किया गया इस वर्क में, क्योंकि आप देख सकते हो वर्क जो ये साइड वाला आप देख रहे हो ना, इतना साइड में दिया गया है, तो इससे कटना ही पड़ेगा। आप जो देख रहे हो मैंने हाथ लगाया है, वो कट होगा ही होगा। ये बहुत मुझे गुस्सा आ गया कि ये कितना अच्छा वर्क है, वो कट जाएगा, वही ज़्यादा खूबसूरत लगा। वो इतना मम्मी जो हाथ रख रही है ना, वो उतना कटेगा ही कटेगा, क्योंकि मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, और इसका जो साइज़ चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और ये निकल सकता है, यानी कि निकल के हाँ मैं इसे लगवा लूँ, क्योंकि ये हैंडवर्क है, तो इसे निकल नहीं पाएगा, तो वो कटेगा ही कटेगा। बट दुपट्टा इतना ज़्यादा प्यारा है गाइस, आप देख सकते हो मिरर वर्क बना हुआ है दुपट्टा में भी, मुझे काफ़ी पसंद आया है। ये मैंने मेशो से ऑर्डर करा था, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से। यहाँ पे मम्मी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मम्मी की एकदम लाल लाल सारी हरी हरी चूड़ियाँ सावन के की। और ये मम्मी सबको सलाम कर दीजिए। वालेकुम सलाम। तो मम्मी काफ़ी अच्छी लग रही है, मम्मी की साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये कटेगा, ये वर्क कटेगा। गाइज़ आप लोग बताना कैसे होगा, मुझे तो लगता है ये वर्क कटेगा, और ये चौड़ाई भी कटेगी, और लास्ट में इतना कॉर्नर में कौन वर्क देता है, बट इसका वर्क काफ़ी अच्छा है। ये मैंने इस तरीके से पहना है गाइस, देख सकते हो ये दुपट्टा मैंने इस तरीके से लिया है। अब मैं वहाँ देखूँगी शादी में कि किस तरीके से वियर करना है दुपट्टा, बट अभी इस तरीके से, और ये काफ़ी मुझे इसका जो वर्क है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अभी मैंने सिर्फ ये दुपट्टा ही वियर किया है, बाकी नीचे का वो वहाँ भी है, यहाँ पर मेरी मम्मी लेटी है यहाँ पे मम्मी लेटी है, और मैं कितनी मोटी लग रही हूँ ना ऐसे बैक कैमरा से, फिल्टर से मैं काफ़ी मोटी लग रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे ही सिंपल से नॉर्मल सूट पहन के मैंने ये ट्राई किया है। और यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो मैंने इसे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और मौसम बहुत माशाल्लाह ठंडा हो गया है। यहाँ पे माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट हो रहा है, मतलब माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा, मैं आपको ना फुल दिखाती हूँ। आहा, क्या मस्त नज़ारा है गाइस, आंधी आ गई,
बिल्कुल शाम हो गया है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। इतना अच्छा मौसम है ना, मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर मी, मेरी हालत बहुत गंदी है। मतलब मुझे पिंपल्स पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पिंपल्स हो रहा है, आई डोंट नो, बट मैं इतना ज़्यादा लगा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहा है। ओ माय गॉड, बिजली चमकी, कितना ज़्यादा, मतलब पूरा बहुत धूल उड़ रहा है, मतलब कई सालों नहीं भूलूंगी, कितने महीनों बाद ऐसा मौसम आया, मतलब एकदम धूल वाली जो आंधी नहीं होती है वो आई आज, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिल्क पाउडर का पेड़ा, जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं लेट्स सी कैसा बनता है। मैं आपको मिनी व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने उसमें थोड़ा सा पार्ट दिखाया था, बट इसमें मैं अच्छे से दिखा रही हूँ कि इसे अच्छे से, पहले मैंने इसमें घी दे दिया है, हाफ कप घी दिए हैं, हाफ कप शुगर ऐड किया है, एंड देन इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है और अच्छे से स्टर करते रहना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हो बहुत मैंने इसे चलाया 10 मिनट तक, तब ये इतना जाके ये ड्राई हुआ है, और इसे भी ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद देन आपको इसके कूल करने के लिए रखना है, ठंडा हो जाए फिर आपको पेड़ा बनाना है और सर्व करना है गेस्ट को। बहुत इजी है गाइस, मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको दिखाऊंगी। ओके, यहाँ पे ये रेडी हो गया है, अब इसको मैं इसका शेप दूंगी कोई अच्छा सा, और ये मैंने बादाम भी कट कर लिया है, फिर मैं इसको बना के दिखाती हूँ। फाइनली ये बन गया पेड़ा गाइस, आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है और बहुत ही फ्रेश, मतलब बहुत ही अच्छा, मैंने आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम पेड़ा का ये शेप आया है, इतना ज़्यादा अच्छा बना है गाइस, एकदम बिल्कुल शेप भी बहुत अच्छा बना है और ये बिल्कुल टेस्ट में भी एकदम पेड़ा जैसा है। तो ये सबको सर्व करते हैं घर में। सो आपने ये वाला जो येलो ड्रेस देखा है गाइस, यही मैंने परचेज़ किया था, जो इसको मैंने रिटर्न करवा दिया है, बहुत प्यारा है, ये भी येलो में कलर बहुत अच्छा है, तो इसको रिटर्न करवा के मैंने पर्पल में, जामुनी कलर जो बोलते हैं पर्पल में, मैंने उसे परचेज़ कर लिया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और येलो एक और मैंने मांजा के लिए, जो इसको तो कैंसिल करवा दिया, तो दूसरा येलो मैंने वो भी स्टिच के लिए गया, तो सब पर्पल और येलो मैं एक साथ नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइज, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोग कुछ भी नहीं करते गाइज, प्लीज़ इतनी मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, तो फिर मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।